नमस्कार दोस्तों, नेशन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 13 मई से उत्तर पूर्वी भारत में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड और पूर्वी बांग्लादेश में भारी वर्षा जारी है, जिससे भूस्खलन और नदी का अतिप्रवाह बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत और नुकसान हुआ। भारत में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई। 19 मई तक आसाम में 8 मौतें, अरुणाचल प्रदेश में 5 मौतें और मेघालय में 3 मौतें, मुख्य रूप से बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये मौतें हुई। इसके अलावा 4 लापता लोगों की सूचना मिली। आसाम में बाढ़ की स्थिति विशेष रूप से खराब होती नजर आ रही है। आसाम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई तक राज्य के 27 जिलों में 6,62,385 लोग प्रभावित हुए और लगभग 40,000 विस्थापित हुए। आसाम में बाढ़ से 22 जिलों में करीब 7,20,000 लोग प्रभावित हुए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बाढ़ और भूस्खलन में करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार वर्षा से भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल के पास 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी प्रभावित हुई। जोरदार वर्षा के कारण आसाम की स्थिति बद से बदतर हुई, आप इस वीडियो में देख सकते हो। काफ़ी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की समस्या को देखा जा सकता है। भूस्खलन की वजह से न्यू हेफलॉन स्टेशन पर पलटी ट्रेन दिखाई देगी। भूस्खलन ने इतना हाहाकार मचाया कि आपको ट्रेन के इंजन आधा मलबे में डूबा दिखेगा। भूस्खलन के कारण रेलवे की पूरी जमीन ही खिसक कर जमींदोज हुई। कहीं ब्रिज किसी खिलौनों की तरह टूटता नजर आया तो कहीं तिनके की तरह बह रहा चट्टाने। बाढ़ के कारण लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और सब कुछ बर्बाद हो गया। भूस्खलन और बाढ़ से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। इस कहर से कई जानवरों की जान जा चुकी है। बाढ़ के कारण आपको ना ही कहीं जमीन, मैदान, रास्ता, घर, पेड़ पौधे दिखाई देंगे। आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा, किसी समुंदर की तरह। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।